नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सभरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि वक्त दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है, और मैं ये भी कहूँगा कि ना केवल दिखा जाता है बल्कि बहुत कुछ सिखा जाता है। कई बार हम वक्त जब हमारे फेवर में होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, लेकिन जब हमारे फेवर में नहीं होता तो हम बहुत दुखी होते हैं, निराश होते हैं। लेकिन ऐसे वक्त को भी हम सीखने के तौर पे लें। जैसे आप ड्राइविंग सीख रहे हों तो केवल खुली सड़क पे यदि आप ड्राइविंग करेंगे तो आप परफेक्ट ड्राइवर नहीं बनेंगे। आप बहुत ही ऐसे रास्ते से गुजरें जो भीड़ भाड़ वाला हो, जो बहुत ही पतला हो, तो ऐसी जगह से जब गुजरेंगे तब आप अनुभवी होंगे और आप अपनी कला में, ड्राइविंग की कला में दक्ष होंगे। तो जीवन में भी जब ऐसा समय आता है मित्रों, तो बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। यदि इस भाव से हम समय को लेते हैं शिक्षक के तौर पे, तो सचमुच जीवन में हमेशा आगे बढ़ते हैं, न कि रुकते हैं। तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। आइए इसी सुंदर शुभकामना के साथ चलते हैं आज के सुवाक्य की ओर। ओम शांति। क्या आप जानते हैं कि सारे दिन में जो आपको फ्री टाइम मिलता है वो कितना अमूल्य है? आमतौर पर एक व्यक्ति दिन में 8 से 9 घंटा परिश्रम करता है। किस लिए? पैसे कमाने के लिए और इस फ्री टाइम के लिए। और देखा जाता है कि अधिकतर लोग इस फ्री टाइम को सोशल मीडिया में, ट्रॉलिंग में, वीडियोस में व्यर्थ गवा देते हैं। अब अपने आप से पूछिए कि 2-3 घंटे फोन पर बिताने के बाद क्या आप अपने आप को रिलैक्स फील करते हैं? नहीं ना, उल्टा और ही बेचैन हो जाते हैं। तो इस फ्री टाइम का क्या करें? 2 काम करिए। 1, अपने मन को शांत रखिए, विचारों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अर्थात मेडिटेशन कीजिए। 2, कोई भी स्किल या सब्जेक्ट जिसे करने का मौका आपको आम जीवन में नहीं मिलता, वो इस फ्री टाइम में आप सीखिए। यकीन मानिएगा कि ये उपयोगी फ्री टाइम आपको आम से खास बना देगा और सफलता की ऊंची मंजिलों तक पहुंचा देगा। ओम शांति। मित्रों, डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं कि यदि आपका आपके भोजन पर नियंत्रण नहीं है तो आपका आपके स्वास्थ्य पर भी नियंत्रण नहीं होगा। इसीलिए भोजन, हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, ये जानकारी रखना हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। और साथ ही बैलेंस डाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। बचपन में ही हमें इस डाइट के बारे में बता दिया जाता था, सिखा दिया जाता था और आदत भी डाली जाती थी कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। यदि हम इसे अपने जीवन में शामिल कर लें तो हमेशा ही स्वस्थ जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो मित्रों, आप अपने आहार का बहुत बहुत ध्यान रखें और साथ ही साथ प्रतिदिन हम आपकी सेहत आपके हाथ में कुछ नई जानकारी भी लेके आते हैं ताकि आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य का जीवन में आनंद ले सकें। आइए देखें आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। नमस्कार। जब हम वेट मैनेजमेंट कहते हैं तो सिर्फ मोटापा ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो बहुत दुबले पतले हैं उनके लिए भी समस्या है। जो हमारा आइडियल वेट होना चाहिए उससे अगर आपका 10% ज़्यादा है या 10% कम है तो कोई बात नहीं, परंतु उससे अगर बढ़ गया और अगर कम भी हो गया, आपका समझो 15% कम है, 20% आवश्यकता से कम है, तब भी आपको बीमारियां होने की संभावना है वो बढ़ जाती है। ऐसे भी तो लोग कहते हैं कि तुम बहुत दुबले पतले हो, उसके अलावा भी कई जो है वह परिवर्तन शरीर में आते हैं, हमारे जो सारी हार्मोनल सिस्टम है उसमें भी परिवर्तन आते हैं, और बहुत बड़ी बात है जो हमारी इम्यून सिस्टम है वो इम्यून सिस्टम में परिवर्तन आते हैं। एक पूरी कहेंगे कि केमिकल्स डिफरेंट है कि जो हमें एनर्जी देते हैं कि उसके कारण आप काम कर सकते हैं, उमंग उत्साह में रहते हैं, उसमें भी परिवर्तन आता है। तो इसलिए जैसे कहा
आपकी वेट जो आपका आइडियल उससे 10% ज्यादा, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पूरी हमें कोशिश करनी है, इससे कम भी हो तो 10, मैक्सिमम समझो 15%, उससे ज्यादा आइडियल वेट से कम होना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ओम शांति। मित्रों, सुख दुख आनंद कष्ट इन सभी स्थितियों में हमें अपनी भावना और व्यवहार लोगों के प्रति वैसा ही रखना चाहिए जैसा कि हम अपने प्रति चाहते हैं। ऐसी अवस्था में जब कभी भी व्यक्ति तकलीफ में होता है, कष्ट में होता है, किसी भी प्रकार की विपदाओं में होता है, तो हमेशा यही चाहता है कि लोग उसकी हिम्मत बढ़ाएं, लोग उसे साथ दें, सपोर्ट दें, अच्छे शब्द बोलें ताकि वो उस स्थिति परिस्थिति से बाहर निकल आए। और यही तो मानवता है ना। जब हम इन सुंदर भावों के साथ जीवन जीते हैं तो औरों के लिए प्रेरक बन जाते हैं, औरों के लिए आदर्श बन जाते हैं औरों को बहुत कुछ सिखाने वाले बन जाते हैं। तो क्यों ना मित्रों, इसे अपने जीवन का अंग बनाएं, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन भी करते हैं। औरों के लिए वो इसीलिए प्रेरक हैं क्योंकि हमेशा औरों का साथ देते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं। आइए देखें विशिष्ट की बातें विशेष में, आज हमारे साथ कौन से खास मेहमान हैं। हर कोई मीडिया से जुड़ा है, लेकिन देखा जाता है कि जो एक्सपोजर है ना, वो नेगेटिविटी का बहुत ज्यादा है, जबकि समाज में केवल 1% से भी कम लोग ऐसे होंगे जो नेगेटिव हैं। अच्छे लोग ज्यादा हैं, ज्यादातर लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन जो नेगेटिव एक्सपोजर है वो इतना ज्यादा क्यों है, उसको कैसे कम किया जाए? देखिए, ऐसा है कि जो पूरी की पूरी जो मीडिया की जो परंपरा है या जर्नलिज्म की जो परंपरा है वो पश्चिम से आती है, क्योंकि मीडिया हमारे यहाँ तो था नहीं। हम तो संवाद और संचार की परंपरा के लोग थे, शास्त्रार्थ की परंपरा के लोग थे, जिसमें संवाद के आधार पर संकटों के हल निकाले जाते थे जी। पर जो पत्रकारिता विकसित हुई वह पश्चिम में विकसित हुई। पश्चिम की पत्रकारिता के मूल्य ही नकारात्मकता है। वहाँ नेगेटिविटी एक वैल्यू की तरह पढ़ाई जाती है, और वहाँ पर जब तक कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई विवाद नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा, कुछ अशोभन नहीं होगा, वो खबर बनेगी नहीं। ये उनके टेक्स्ट में पढ़ाया गया, और एक परिभाषा बताई गई कि अगर आदमी कुत्ते को काट ले तो समाचार बनेगा, कुत्ता आदमी को काट ले तो समाचार नहीं बनेगा। इस तरह की घोर नेगेटिविटी के साथ वो पत्रकारिता पश्चिम में प्रारंभ होती है, वही पत्रकारिता आकर हमारे यहाँ स्थानांतरित होती है। तो मूल्य क्योंकि हमने पश्चिम से ग्रहण किए। अब मैं कहता हूँ, कल मैंने आपके आयोजन में भी एक बात कहा कि मीडिया के भारतीयकरण करने की आवश्यकता है और समाज के आध्यात्मिकरण करने की आवश्यकता है। मीडिया अगर भारतीय मूल्यों पर खड़ी होगी, जिसमें संवाद संचार की परंपरा है, जिसमें देवर्षि नारद हमारे एक प्रतीक के रूप में सामने आते हैं, जो लगातार प्रवास करते हैं, पत्रकार को लगातार प्रवास करना चाहिए, और वो राक्षस हो या देवता, सब उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी इतनी है। तो मीडिया को भारतीय आधारों पर खड़ा करना पड़ेगा। मीडिया का जो एक दर्शन है, भारतीय दर्शन, जिसमें लोकमंगल प्रमुख है, लोगों का कल्याण प्रमुख है, हमारे समस्त साहित्य, कला, संस्कृति, जितनी भी हमारी परफॉर्मिंग आर्ट्स हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, लोकमंगल। तो हम मीडिया का भारतीयकरण करें, उसको भारतीय आधारों पर खड़ा करें और समाज का आध्यात्मिकरण करें, यही हमारे मीडिया को एक सही रास्ते पर लेके जा सकता है, और इसलिए हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क बताया आपने कि जो वेस्टर्न में मीडिया जगत है वो कहता है गुड न्यूज इज नो न्यूज, वो न्यूज ही नहीं है, और हम कार्य करते हैं कि इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मित्रों, कहते हैं सच्चाई के लिए सब कुछ छोड़ दो, लेकिन किसी और के लिए सच्चाई को ना छोड़ो, क्योंकि जहां सच्चाई है वहीं सुख है, वहीं सुकून है। थोड़ी देर के लिए भले ही कष्ट की प्रतीति होती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति के साथ परमात्मा का साथ होता है, हाथ होता है, और वो हमेशा अपने जीवन में तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, औरों के लिए आदर्श बन जाते हैं। नमस्कार सभी देखने सुनने वालों को, मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा ओम शांति का क्रांतिकारी अभिवादन करता हूँ। एक गुरुजी ने कक्षा में विद्यार्थी से प्रश्न किया, विद्यार्थी को प्रश्न का उत्तर नहीं आया। गुरुजी ने कहा, हाथ आगे कर, बेत से मारूंगा। विद्यार्थी ने हाथ आगे किया, गुरुजी ने बेत उठाई लेकिन उसे मारा नहीं, बेत वापस रख ली। विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुजी आपने तो मुझसे हाथ आगे इसलिए करवाया था क्योंकि आप मेरी हथेली पर बेत मारना चाह रहे थे। गुरुजी ने कहा कि मैंने बेत मांगने का इरादा इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि तेरी हथेली को जब मैंने देखा
तो उसमें तो कोई विद्या की रेखा है ही नहीं, शिक्षा की रेखा है ही नहीं, तो फिर तुझे मारने से क्या लाभ। विद्यार्थी को गुरुजी की यह बात चुभ गई। विद्यार्थी कक्षा से बाहर आया और बाहर आकर उसने चाकू से अपने हथेली पर वहां रेखा खींच ली जहां पर विद्या की रेखा होती है और गुरुजी के पास हो गया, कहा कि अब देखिए मेरे हाथ में विद्या की रेखा है, बेंत मारिए। ये सच्ची घटना है संस्कृत के महान व्याकरणाचार्य पाणिनि के जीवन की। हथेली की रेखाएं तभी बनती है वैसी जैसी हम चाहते हैं जब हम वैसे कर्म करते हैं। कर्म की थ्योरी अटल है, इसलिए सत्कर्म करें और सद्मार्ग पर चलें। एज यू थिंक सो शैल यू बी। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं और जैसा हम हो जाते हैं सारी सृष्टि हमें वैसी ही नजर आने लगती है। ओम शांति। मित्रों चलते चलते एक और प्यारी सी बात, कहते हैं जिसकी जुबान सुधरी हुई हो उसका जीवन भी सुधरा हुआ होता है। सचमुच बहुत ही गहरी और पते की बात है। सारे दिन हम बोलते हैं लेकिन जुबान से क्या बोल रहे हैं, किस भाव से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, उसका क्या असर होगा, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं, हमारी सफलता असफलता पर प्रभाव डालती हैं, हमारे संबंधों पर प्रभाव डालती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी वाणी का बहुत सही सही इस्तेमाल करें। मधुर हो हमारे बोल, सुखदाई हो हमारे बोल, अप्रिशिएट करने वाले हो हमारे बोल, ऐसे हो हमारे बोल जो दूसरे सुनना चाहें और सुन करके प्रेरित हों। बहुत गहराई से इस पर विचार कीजिएगा और आज अमल में लाइएगा ताकि अपने जीवन में सतत उन्नति का सुकून का एहसास कर सकें। कल पुनः इसी वक्त आप सबसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ओम शांति।